हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हूँ? माई सेल्फ विष्णु सोनी, स्कूल साइंस अकेडमी लाइव क्लास प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम लोग जस्ट जो प्रीवियस डिस्कस करके आए हैं, फर्स्ट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। सेकंड हम लोगों ने सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर फर्स्ट पार्ट एपिडीडाइमिस, एपिडीडाइमिस और उसके आफ्टर हम लोग वासा डेफरेंस वाला पार्ट क्लियर करके आए थे। और आज हम लोग टुडे नेक्स्ट पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस करेंगे, और वो है आपके सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स, तो मेंशन नेक्स्ट हेडिंग सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स के अंदर आप लोग यदि बेटा पोजीशन की बात करें कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है आप लोगों के, तो डॉर्सल पार्ट ऑफ यूरिथ्रा, यूरिथ्रा के डॉर्सल पार्ट पर क्या प्रेजेंट होता है आप लोगों के? सेमिनल वेसिकल्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अदर नेम की हम लोग बात करें कि सेमिनल वेसिकल्स इज आल्सो नाउन एज द यूट्रस मैस्कुलिनस, यूट्रस मैस्कुलिनस। तो फर्स्ट हम लोगों ने पोजीशन की बात की है कि सेमिनल वेसिकल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो डॉर्सल पार्ट ऑफ यूरिथ्रा। और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि सेमिनल वेसिकल्स आल्सो नाउन एज यूट्रस मैस्कुलिनस। नेक्स्ट यदि हम लोग पॉइंट डिस्कस करें तो सेमिनल वेसिकल्स का बेटा एम्ब्रियोलॉजिकल यदि हम लोग ओरिजिन की बात करें तो ये मलेरियन जो आपके डक्ट्स होती हैं उनसे क्या होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं। तो इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम मलेरियन डक्ट्स ऑफ एम्ब्रियोज। क्लियर? ये नेट के लिए अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो बात की थी प्रीवियस इन पार्टों के अंदर जो ओरिजिन की आई थी वो आप लोगों के बेटा कौन सी थी? वुल्फियन डक्ट्स थी। कौन सी डक्ट्स थी? वुल्फियन डक्ट है। और यहाँ पर कौन सी डक्ट आ रही है आप लोगों के? मलेरियन डक्ट्स आ रही हैं, और इनमें कन्फ्यूजन होता है। क्लियर? नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें तो सेमिनल वेसिकल्स इज ए ग्लैंड, ये क्या है? एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? सेमिनल वेसिकल्स इज ए ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है बेटा। जब ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है तो जनरली हम लोग आई नो ये जानते हैं कि ग्लैंड के थ्रू कोई ना कोई सबस्टेंस क्या किया जाता है? सीक्रेट किया जाता है, क्योंकि ग्लैंड का मेन फंक्शन ये है, सीक्रेशन होता है। अब जनरली ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट जो सबस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हार्मोन्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ जो सेमिनल वेसिकल्स जो एक वन टाइप एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, इस ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर से जो सीक्रेट स्ट्रक्चर पार्ट होगा इट इज नाउन एज द सीमन। क्लियर? ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर इन विच फॉर 60-70% पार्ट्स ऑफ सीमन,
जिसके अंदर क्या होता है बेटा, सीमन का 70% पार्ट, यानी इट मीनिंग ऑफ मैक्सिमम पार्ट, तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ सीमन फॉर्म इन सेमिनल वेसिकल्स। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अब इस जो सीमन है बेटा ये क्या है। तो सीमन इज विस्कस बेसिक लिक्विड और फ्लूड। ये क्या बेटा आप लोगों के विस्कस एंड बेसिक फ्लूड होता है। बेसिक का मींस क्या है तो ये आप लोग आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी पीएच के बारे में। चलो यही मेंशन कर देते हैं, तो पीएच ऑफ सीमन, क्योंकि बेसिक वैल्यू है और आई नो आप पीएच स्केल का भी आप लोगों ने देखा होगा। पीएच स्केल ये होता है जिसमें बेटा 0 to 7 और 7 to 14 वैल्यू होती है। यदि हमें 0 to 7 के बिटवीन यदि कोई वैल्यू ऑब्टेंट होती है तो वो मीडिया कैसा होगा, एसिडिक होता है तो एसिडिक वैल्यू होगी। और यदि 7 हमें पीएच वैल्यू ऑब्टेंट होती है तो इट मीनिंग ऑफ वो मीडियम हमारे पास कैसा है, न्यूट्रल है। और यदि 7 to 14 के बिटवीन यदि हमें उस मीडियम की वैल्यू ऑब्टेंट होती है तो हमारे पास कैसा बेटा, बेसिक मीडियम है। क्लियर? तो यहाँ हम लोग बेसिक की बात कर रहे हैं, तो बेसिक की बात की है तो पीएच वैल्यू हमारे पास 7 से अबव आनी चाहिए ना, या मोर, तो 7.4 पीएच ऑफ सीमन कितनी होगी, 7.4 होती है। और ये आपको याद रखना है क्योंकि ब्लड हुआ, यूरिन हुई आप लोगों के, सीमन हुआ, ये जनरल ऐसे कुछ कंसेप्ट है जो नीट के एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। तो पीएच ऑफ सीमन क्या होगी, 7.4 होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बहुत अच्छा क्वेश्चन के फॉर्म में निकल के आएगा कि यदि हम लोग सीमन को का केमिकल एनालिसिस करें तो केमिकल एनालिसिस करने पर हमें इसमें ऑब्जर्व करते हैं कि डिफरेंट सब्सटेंसेस क्या होते हैं प्रेजेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटीन कोमा फ्रक्टोस, प्रोटीन फ्रक्टोस कोमा सेमिनोजेलिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिस एक्सेट्रा सबस्टेंसेस फाउंड इन सीमन। सीमन में बेटा कौन कौन से सबस्टेंसेस प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन फ्रक्टोस सेमिनोजेलिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिस। यदि हम लोग बेटा बात करें यहाँ पर फ्रक्टोस के फंक्शन की, तो फ्रक्टोस का क्या फंक्शन है, तो ये जनरली जो स्पर्म होते हैं जिनका फॉर्मेशन टेस्टिस वाले पार्ट के अंदर होता है, तो स्पर्म को न्यूट्रिशन और एनर्जी प्रोवाइड करना इसका क्या है, फंक्शन। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या मेंशन करोगे, फ्रक्टोस प्रोवाइड एनर्जी एंड फ्रक्टोस प्रोवाइड एनर्जी एंड न्यूट्रिशन फॉर स्पर्म के लिए न्यूट्रिशन और एनर्जी क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें प्रोस्टाग्लैंडिस के फंक्शन की, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या मेंशन करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिस प्रोवाइड मोटेबिलिटी ऑफ स्पर्म, मोटेबिलिटी ऑफ स्पर्म को बेटा मोटेबिलिटी यानी गति प्रदान करेगा, मूवमेंट प्रदान करता है, कहां पर, यूट्रस के अंदर। क्लियर? तो ये आप लोगों के
किसके बारे में क्लियर होता है हमारे सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, वापस से रिवाइज कर देते हैं। फास्टली पोजीशन की हम लोगों ने बात की, डॉर्सल पार्ट ऑफ यूरिथ्रा, अदर नेम यूट्रस मैस्कुलिनस, इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम या डिराइव फ्रॉम मुलेरियन डक्ट ऑफ एम्ब्रियोज। सेमिनल वेसिकल्स इज ए ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर इन विच फॉर्म 60-70% पार्ट ऑफ सीमन। सीमन क्या है, सीमन इज द विस्कस एंड बेसिक फ्लूड एंड पीएच वैल्यू ऑफ सीमन इज द 7.4। नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोटीन फ्रक्टोज सेमिनोजेलिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिस एक्सेट्रा सबस्टेंसेज फाउंड इन सीमन। फिर हम लोगों ने फ्रक्टोस और प्रोस्टाग्लैंडिस के फंक्शन की बात की थी, तो फ्रक्टोस प्रोवाइड एनर्जी एंड न्यूट्रिशन फॉर स्पर्म एंड प्रोस्टाग्लैंडिस प्रोवाइड मोटेबिलिटी ऑफ स्पर्म। क्लियर, ये बेटा आप लोगों के सेमिनल वेसिकल्स वाला नेक्स्ट पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। इसके आफ्टर नेक्स्ट आप लोग पार्ट मेंशन करोगे और वो है आपके नेक्स्ट पार्ट यूरिथ्रा। क्लियर, नेक्स्ट पार्ट कौन सा मेंशन करना आपको, यूरिथ्रा मेंशन करोगे। तो यदि हम लोग यूरिथ्रा की बात करें बेटा, तो क्या है, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है बेटा, उस यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिनरी डक्ट्स निकलती हैं, यूरिनरी ब्लैडर से आप लोगों के यूरिनरी ब्लैडर है, इससे जो डक्ट्स निकलेंगी और आप लोगों को बेटा जो टेस्टिस है, इस टेस्टिस से जो डक्ट्स निकलती हैं, ये हम लोग क्या मान रहे हैं, ये आप लोगों के बेटा डक्ट्स हैं। तो टेस्टिस से जो डक्ट निकलती है, इट इज नाउन एज द इजेकुलेटरी डक्ट्स। और जो यूरिनरी बेटा ब्लैडर है, इससे जो डक्ट्स निकलेंगे, इट इज नाउन एज द यूरिनरी डक्ट्स। ये यूरिनरी डक्ट्स एंड एजेकुलेटरी डक्ट दोनों क्या होती है बेटा, टूगेदर जॉइन होती है। ये क्या होंगी, टूगेदर जॉइन होती हैं, और जॉइन होने के बाद किसका फॉर्म करती हैं, फॉर्म यूरिथ्रा। किसको फॉर्म करेंगे, यूरिथ्रा को फॉर्म करती है। तुम लोगों ने जस्ट क्या कहा है कि जनरली हम लोग देखते हैं कि जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, उस यूरिनरी ब्लैडर से जो डक्ट रिलीज होती हैं और टेस्टिस से जो डक्ट रिलीज होती हैं, टेस्टिस से जो डक्ट रिलीज होंगी, इट इज नाउन एज द एजेकुलेटरी डक्ट, एंड यूरिनरी ब्लैडर से जो डक्ट रिलीज होंगी, इट इज नाउन एज द यूरिनरी डक्ट। एंड ये बोथ यूरिनरी डक्ट एंड एजेकुलेटरी डक्ट बोथ आर जॉइंट टूगेदर एंड फॉर्म यूरिथ्रा। और किसका फॉर्मेशन करती है बेटा, यूरिथ्रा का फॉर्मेशन करेंगी, जिसकी यदि हम लोग लेंथ की बात करें, नॉर्मल लेंथ की बात करें, तो ये 20 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है। यूरिथ्रा वाले पार्ट की जो लेंथ की बात करेंगे, तो 20 सेंटीमीटर लेंथ होगी। नेक्स्ट यदि हम लोग डिस्कस करें कि ये जो यूरिथ्रा वाला पार्ट होता है, यूरिथ्रा opens on glans penis, कहां पर ओपन होता है, glans penis पर ओपन होता है, as form of germ pore। ये हम लोगों ने बेटा प्रीवियसली भी डिस्कस किया है, यदि आपको याद हो तो हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया था, लेक्चर 3rd या 4th आप लोग देखना, सेक्सुअल डायमॉर्फिज। सेक्सुअल डायमॉर्फिज को हम लोगों ने 3rd 4th लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने कि ह्यूमन बींग्स के अंदर क्लियर
सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है, यानी मेल और फीमेल के अंदर सेक्सुअली डिफरेंसेज होते हैं, और वो सेक्सुअली डिफरेंसेज हम लोगों ने डिस्कस किए थे। वहाँ भी आप लोगों के पास ये क्लियर हुआ था कि जनरली हम लोग देखते हैं कि पेनिस के जो आपके माउथ वाला पार्ट होता है वहाँ पर ये यूरेथ्रा ओपन होती है एज फॉर्म ऑफ ग्लांस पेनिस। क्लियर? तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ डिस्कस की है। आगे हम लोग बेटा बात कर रहे हैं कि जो यूरिनरी डक्ट होती है, इन यूरिनरी डक्ट के थ्रू यूरिन का सीक्रेशन होता है, और जो एजेकुलेटरी डक्ट है, इस एजेकुलेटरी डक्ट के थ्रू किसका सीक्रेशन होगा बेटा? सीमन का सीक्रेशन होता है। यूरिनरी डक्ट क्या करती हैं आप लोगों के? यूरिन सीक्रेट करती हैं, और जो आप लोगों के बेटा एजेकुलेटरी डक्ट हैं, ये स्पर्म को सीक्रेट करते हैं। क्लियर? तो यूरिनरी डक्ट से जो सीक्रेशन होगा या रिलीजेशन होगा वो किसका होगा? यूरिन का होगा। एजेकुलेटरी डक्ट से किसका होगा? स्पर्म का होगा। लेकिन ये जो यूरिन का सीक्रेशन और स्पर्म का सीक्रेशन, ये टूगेदर यूरिथ्रा पर एक ही जर्म पोर के थ्रू होता है। डिफरेंट जर्म पोर प्रेजेंट नहीं होते, मेल के अंदर एक सिंगल जर्म पोर के थ्रू ही यूरिन एंड स्पर्म बोथ आर टूगेदर रिलीज। क्लियर? इसलिए ये एम्पीवॉलिक पाथ का वर्क करता है। क्लियर? इसके बाद हम लोग बेटा डिस्कस कर रहे हैं कि यूरिथ्रा के अंदर फॉलोइंग थ्री पार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ यूरिथ्रा। यूरिथ्रा के अंदर बेटा क्या होते हैं? फॉलोइंग पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज द प्रोस्टेटिस यूरिथ्रा, फर्स्ट इज द प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, ये बेटा यूरिथ्रा का क्या है? इंटीरियर पार्ट है, इंटीरियर पार्ट्स ऑफ यूरिथ्रा। यूरिथ्रा का इंटीरियर पार्ट होगा। और नेक्स्ट यदि हम लोग डिस्कस करें इसकी लेंथ की, तो टोटल लेंथ हम लोगों ने यूरिथ्रा की कितनी डिस्कस की है? 20 सेंटीमीटर। कितनी डिस्कस की है? 20 सेंटीमीटर डिस्कस की है। लेकिन यहाँ यदि हम लोग प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा वाले पार्ट की लेंथ की बात करेंगे तो 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। अप्रोक्सीमेटली इसकी लेंथ क्या होगी? 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें तो सेकंड पार्ट आप लोगों के इस यूरेथ्रा का होता है मेम्ब्रेनियस, सॉरी मेम्ब्रियस यूरिथ्रा, मेम्ब्रियस यूरिथ्रा होगा। ये क्या होता है बेटा आप लोगों के? यूरिथ्रा का मिडिल पार्ट होता है, क्लियर? मिडिल पार्ट्स ऑफ यूरिथ्रा। और यदि इसके लेंथ की हम लोग बात करें तो अप्रोक्सीमेटली दीज आर द 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। और एट लास्ट पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा इज द आपके कौन सा होगा? पेनाइल या कैविनस पार्ट होता है, पेनाइल और कैविनस पार्ट। तो इट इज द पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा। तो इट इज पोस्टेरियर पार्ट्स ऑफ यूरिथ्रा। ये बेटा क्या है? यूरिथ्रा का पोस्टेरियर पार्ट है, जिसकी लेंथ की बात करें तो लॉन्गेस्ट एंड स्पंजी पार्ट ऑफ यूरिथ्रा। ये यूरिथ्रा का सबसे लॉन्गेस्ट और कैसा होता है बेटा? स्पंजी पार्ट होता है। क्लियर?
ये आप लोगों के, हम लोगों ने कौन सा पार्ट डिस्कस किया है, नेक्स्ट पार्ट यूरिथ्रा डिस्कस किया है, और यूरिथ्रा के बाद लास्ट सेक्स, जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है, पेनिस, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। क्या हो गया भगवान।